अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ISA के बारे में और हम देखेंगे कि ग्लोबल रिकॉग्निशन में, ग्लोबल कम्युनिटी के अंदर ISA का कितना बड़ा रोल है और ISA को दुनिया जो है वो किस कदर खौफ भरी निगाह से देखती है, स्पेशली अगर इंडिया की बात करते हैं, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे जो एजेंट्स हैं वो ISA ने पकड़ लिए थे, बहुत सारे ऑपरेशन करके पकड़े गए हैं पाकिस्तान के अंदर। तो उन सारे ऑपरेशन को जो ISA ने परफॉर्म किए हैं और वो तमाम एक्विजिशन जो कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर लगाए हैं कि भाई आप लोगों की ISA ने किया है, उनमें से कौन से उनके चार्जेस ठीक है, कौन से चार्जेस नहीं सही, उन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। देखिए ISA की बात करते हैं तो पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है उसमें एक हमारा विंग है जिसको हम क्या नाम देते हैं, ISA इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। अब इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का एक बड़ा ही खुफिया विंग है, एक छोटा सा बड़ा खुफिया इसे जिसको हम नाम देते हैं कैड के नाम से। कैड कैड किसके लिए होता है, कैड होता है कॉवरेट एक्शन डिवीजन। अच्छा ये लोग जो होते हैं ना ये इनका पता नहीं चलता, ये आपके बेसिकली हो सकता है कि आप साहब बैठे हो या फिर जो गले में सब्जी बेचने वाला है या फिर फेरी लगाने वाला है या कोई भी ऐसे रोग के अंदर जो है जो कैड के लोग होते हैं ना ये हर वक्त मोहल्ले गले में घूमते रहते हैं और उस मोहल्ले गले में तो आपको लाजमी तौर पर मिलेंगे जहां पर किसी किस्म में इन्होंने बड़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उन्होंने हासिल करनी है, किसी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उससे पहले ISA जो है वो अपने कौन सा विंग भेजेगी, ये कैड को उसके ऊपर नजर रखने के लिए भेज देंगे। इसका काम लड़ाई झगड़े या कुछ भी उसको ऑपरेशन परफॉर्म करना नहीं है, इसका सिर्फ एक काम होता है कि इसने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके इसने किसको सबमिट करना होता है, ISA को सबमिट करना है। और ISA के जो एजेंट है ना वो इतने खतरनाक है कि अगर दुनिया में हम बात करते हैं ना तो मोसाड जो है, मोसाड एक एजेंसी दुनिया की बड़ी खुफिया एजेंसी ताकतवर मानी जाती है, उसके बाद अगर किसी की बात करते हैं तो ISA की बात करते हैं। इवन के अगर बात करें ना CIA की, अमेरिका की बात करें, देखिए अमेरिका सुपर पावर बेशक है लेकिन अमेरिका की जो CIA है अगर उसको कम्युनिस्ट वार लड़नी हो या उसको दूसरी उसको 2020 के अंदर अगर उसको कासिम सुलेमानी को मारना हो ईरान के अंदर तो उसको हमेशा दूसरी एजेंसीज की जरूरत पड़ती रही है, उसको मोसाड की भी जरूरत पड़ी है, उसको ISA की भी जरूरत पड़ी है। इसका मतलब ग्लोबल लेवल के ऊपर जो ISA और मोसाड जो है दोनों का जो रैंक है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। रात दूर दूर तक कहीं पर गिरती नहीं है क्योंकि उसने तो कोई बड़ा ऑपरेशन किया ही नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। तो चलो सर यहाँ बात कर लेते हैं कि पहली बात के हमारे जो ISA उसके कितने विंग्स है। ISA के मैंने बेसिकली तीन विंग्स है, पहला विंग जो है वो है इंटरनल विंग, दूसरा है एक्सटर्नल विंग, तीसरा है फॉरन रिलेशन विंग। इंटरनल विंग का काम ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर वाली साइड के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, क्या पाकिस्तान के अंदर कहीं पे कोई TTP जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, क्या ये कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं कर रही आजकल, क्या कोई और जो एजेंसी है पाकिस्तान में, क्या राह की कोई भी जो एजेंडा वो पाकिस्तान के अंदर नहीं तो नहीं आ गया, क्या चित्रोल करवाने के लिए पाकिस्तान के अंदर तो नहीं आ गया। वो तमाम जो काम संभालने की जिम्मेदारी होती है ना वो किसकी रहती है, वो रहती है इंटरनल विंग की। तो इंटरनल विंग का काम रहता है कि अंदर वाली साइड के ऊपर जो चोर घुस जाते हैं उनको पकड़ना, जैसे कि कुलभूषण यादव उसको पकड़ के मारा था, सही है। इसी तरह से और भी एग्जांपल आपको इसी लेक्चर में देखने को मैं दूंगा। उसके बाद अगर बात करते हैं एक्सटर्नल विंग की, एक्सटर्नल विंग का काम ही होता है कि पाकिस्तान के ग्लोबल लेवल के ऊपर साथ को मेंटेन करना, यानी कि पाकिस्तान को बाहर जो दूसरे कंट्रीज है उनकी उनके टेरिटरी से किस तरह का प्रॉब्लम जो है वो फेस करने को मिल सकता है। स्पेशली अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान को मेन अपने टेररिटी को कवर करने के लिए दो कंट्री से ज्यादा सेफ रहने की जरूरत पड़ती है, एक तो रहती है अफगानिस्तान से हमेशा और दूसरी रहती है पाकिस्तान को इंडिया से। तो चले नेचुरली तौर पे रहते हैं क्योंकि इंडिया जारी बात है, इंडिया को हमने 1947 के अंदर उनसे अलग हमने उनका एक हिस्सा ले लिया, पूरे का पूरा अपना एक कंट्री बना दिया, उनको तो तकलीफ होगी। लेकिन इंडिया ने जो है वो अफगानिस्तान को क्या किया, अफगानिस्तान को भड़का दिया। देखिए अफगानिस्तान की हर तरह से पाकिस्तान ने मदद ही की है। अब देखिएगा कि ISA ने अफगानिस्तान के लिए कितनी बड़ी कुर्बानियां जो है ISA ने दी है, जरा इसको अंडरस्टैंड करिए। और किस तरह से इंडिया ने डबल गेम खेलते हुए अफगानिस्तान को ISA के खिलाफ कर दिया, इस चीज को भी मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। और उसके अलावा देखिए तीसरा जो काम होता है वो है फॉरेन रिलेशन विंग, जिसका काम ये होता है कि दूसरी जो एजेंसीज होती है उनके साथ मिलकर काम करना, जैसे कि पाकिस्तान जो है ISA ने CIA के साथ मिलकर काम किया था 1980s के अंदर। तो अगर हम ISA की बात करते हैं तो ISA को जो ग्लोबल लेवल के ऊपर रिकॉग्निशन मिला है ना वो तकरीबन 1980s के अंदर ना CIA जो है पाकिस्तान ने परफॉर्म नहीं किया, ध्यान से सुनिए, पाकिस्तान का ऑपरेशन नहीं था, ISA का ऑपरेशन नहीं है, ये CIA के ऑपरेशन है, CIA का सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है अमेरिका की। तो इसका एक ऑपरेशन था ऑपरेशन साइक्लोन का काम ये था कि जो कम्युनिज्म जो कोल्ड वार चल रही थी, देखिए मैं आपको समझाता हूं, इधर ऊपर वाली साइड पर मौजूद है रशिया और नीचे वाली साइड पर मौजूद था अफगानिस्तान, यहां पर है पाकिस्तान और इधर वाली साइड पर इंडियन ओशन या फिर अरेबियन सी आप कह लिए ये मौजूद है। अब रशिया को अरेबियन सी तक पहुंचने के लिए दो काम करने थे, या तो वो किसके ऊपर अटैक करता है अफगानिस्तान के ऊपर, या वो किसके ऊपर अटैक करता है, या वो अटैक करता है पाकिस्तान के ऊपर। रशिया को पता था कि वो पाकिस्तान के ऊपर अगर अटैक करेगा तो इतनी बुरी मार मारा है इंडिया को 1965 के अंदर
कि वो उसको भूले नहीं है, छोटा क्यों गांव के ऊपर जब टैंक उनके तबाह कर दिया गया था हमारे सोल्जर्स ने जमीन पर लेकर, तो रशिया ने सोचा कि पाकिस्तान के ऊपर यार अटैक नहीं करेंगे, पाकिस्तान की जो एजेंसी है ना ये बड़ी तबियत बहुत मार मारेगी। उसके बाद क्या हुआ, रशिया जो है उसने अटैक इसके ऊपर किया, इन्वेड किया अफगानिस्तान के ऊपर। जब अफगानिस्तान के ऊपर इन्वेड किया तो बेसिकली अमेरिका ने ऑपरेशन साइक्लोन इसलिए शुरू किया था क्योंकि रशिया जो है, रशिया कम्युनिज्म, रशिया किसको सपोर्ट करता है, कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करता है, कम्युनिज्म को सपोर्ट करता है, और चाइना जो है ये सपोर्ट किसको करता है, चाइना सपोर्ट करता है कैपिटलिज्म को, कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है। अब कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच की वार थी, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच की ये वार थी जिसकी वजह से जो अमेरिका है, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है किसको, कैपिटलिज्म को। अब देखें, अब अमेरिका ने किसको कहा, अमेरिका ने डायरेक्ट इनडायरेक्टली तौर पर किसको बोला, पाकिस्तान को, पाकिस्तान को बोला भाई हमारी मदद कर दीजिए, हमारी मदद क्यों कीजिए, पाकिस्तान के पहले आईएसए ने सोचा यार करनी चाहिए नहीं, फिर इन्होंने सोचा हाँ यार कर देते हैं क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर भी जारी तौर पर क्या वहां पर क्या मुझे मुस्लिम मुझे तो मुस्लिम भाइयों को मदद करना हमारा फर्ज है। तो इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान की जो आईएसए है, आईएसए ने इन अफगान जो लोग थे इनको मदद किया, इनको बहुत सारे अफगानी लोग जो है वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की बाउंड्री क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर आ गए जब रशिया ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान को। और उसके बाद क्या होते हैं, उसके बाद जो मुजाहिदीन है, मुजाहिदीन को स्टार्ट जो दिया जाता है, मुजाहिदीन को जो वेपन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, खुराक प्रोवाइड किए जाते हैं, ट्रेनिंग की जाती है, ये सारे की सारी जो जिम्मेदारी होती है ये किसको कौन करता है, ये आईएसआई करती है। तो आईएसआई को इसके बाद पूरी दुनिया के ऊपर बड़ी खतरनाक है। देखो ना उस वक्त दुनिया की सुपर पावर जो थी वो क्या थी, रशिया, यानी कि यूएसएसआर जो थी उस वक्त थी मौजूद। अब देखिए उसकी जो हार है, उसकी हार के अंदर जो मेन जो रोल है वो किसका रहा है, वो पाकिस्तान का रहा है। बेशक पाकिस्तान ने डायरेक्टली तौर के ऊपर रशिया से कोई भी वार नहीं की और ना ही लड़ी है, और लेकिन उसके बावजूद देखें अफगानिस्तान के अंदर, एक अफगानिस्तान जो कि छोटा सा कंट्री था जिसकी मिलिट्री भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही थी, और रशिया की जो कैलकुलेशन थी वो थी कि हम बहुत जल्दी इसको इन्वेड कर देंगे। लेकिन 1979 के अंदर गुस्सा 1989 के अंदर बाकी तरह 5-9-10 साल वहां पर लगाए, उसको किसी भी किस्म की कोई भी कामयाबी वहां पर मिली ही नहीं है रशिया को। और उसका मेन कारण क्या है, मेन कारण यह है कि अगर अफगानिस्तान के ऊपर आज रशिया काबिज नहीं है, उसका जो मेन क्रेडिट जा रहा है वो किसको जा रहा है, पाकिस्तान को जा रहा है। बेशक पाकिस्तान जो है वो पूरे ग्लोबल लेवल के ऊपर देखे, पाकिस्तान को बाद में एक बहुत बुरी नजर से भी देखा गया 1911 के हमले के बाद, लेकिन उसके बावजूद अगर वोसिस ने यहाँ पे क्या किया, सपोर्ट किया, यहाँ पे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को सपोर्ट किया ताकि अफगानिस्तान जो है इसकी टेरिटरी को मेंटेन किया जा सके। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखें अगर पाकिस्तान उस वक्त रशिया को सपोर्ट करता, देखें गौर से समझिए, मान लें कि पाकिस्तान उस वक्त अगर रशिया को सपोर्ट करता तो क्या होता, अफगानिस्तान आज अफगानिस्तान नहीं होता, पाकिस्तान रशिया को सपोर्ट करता, उसका अलाइज बन जाता, अफगानिस्तान को इन्वेड करते, एक हिस्सा पाकिस्तान के पास आ जाता, एक हिस्सा रशिया के पास आ जाता, रशिया का जो प्रॉब्लम था अरेबियन सी का वो भी सॉल्व हो जाता, पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम आजकल फाटा का जो प्रॉब्लम है जो इंडियन राज की वजह से है तो वो प्रॉब्लम भी सोल्व किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान कभी भी धोखे से किसी भी अपने मुस्लिम भाई को धोखा नहीं देना चाह रहा था, ना ही अफगानिस्तान को धोखा देना चाह रहा था, और इसी वजह से पाकिस्तान जो है उसने किसको सपोर्ट किया, अफगानिस्तान को सपोर्ट किया। अब यहाँ पे क्या गलत किया, कोई गलत नहीं किया अफगानिस्तान के साथ। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं 1980s के बाद इनको जो ग्लोबल लेवल के ऊपर रिकॉग्निशन तो मिल गया, आईएसआई बड़ी खतरनाक एजेंसी मौजूद है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इनके ऑपरेशन कौन कौन से हैं, और फिर हम देखते हैं कि कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लगाए गए हैं। देखें, आपने एक फिल्म तो लाजमी तौर पर देखी होगी, और फिल्म लाजमी तौर पर रॉकी के नाम से है, रॉकी 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 की फिल्म इस तरह की है, इंडिया में बड़ी फेमस है, और वो उसके पार्ट टू के अंदर रॉकी जो है वो इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर अटैक कर देता है, तो सेम ये सीन जो है वो ओरिजिनली भी परफॉर्म हुआ है। अब ओरिजिनली 2001 के अंदर जो दिल्ली है ना, दिल्ली न्यू दिल्ली इंडिया का आप कह लीजिए जो कैपिटल है, वहां पर इंडियन पार्लियामेंट बैठी होती है, इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर क्या हो जाता है, अटैक हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो फेलियर है ना वो इंडिया की अपनी एजेंसी का है, इंडिया की जो खुफिया एजेंसी है रॉ, ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग उसको पता होना चाहिए यार हमारी पार्लियामेंट हमारा सबसे सेंसिटिव पैनल है उसके ऊपर अटैक होने वाला है, आपको कैसे नहीं पता हो सकता, समझे ना बात, आपको पता होना चाहिए। नंबर सेकंड अगर बात कर लेते हैं, वहां पर जो उनके सोल्जर सिपाही खड़े हुए थे रा में, रा के जो बाहर खड़े हुए थे वहां पे पार्लियामेंट के बाहर जो पुलिस वाले थे वो इस अटैक को कंट्रोल नहीं कर पाए, कितने लोग थे, जिंदे के लोग थे जिन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया। तो यहाँ पर बेसिकली देखिए ये इसका कोई लिंक कैसे जुड़ता है, जरा गौर से अंडरस्टैंड करिए, 1964 के अंदर मुसलमानों के ऊपर हमला कर दिया जाता है कोलकाता के अंदर मुसलमानों को बहुत कतल किया जाता था, तकरीबन आज तक 1947 के बाद कितने मुसलमानों को इन्होंने शहीद किया, तकरीबन 10,000 से ज्यादा मुसलमान जो है उनको शहीद कर दिया इंडिया, जो तशद्दुद पसंद लोग हैं, जो अजीब किस्म के लोग हैं उन्होंने इसको किया। उसके बाद 1983 के अंदर, उसके बाद 1987 के अंदर हाशिमपुरा यहाँ पर मुसलमानों को प्रोसिक्यूट किया गया,
1992 के अंदर बॉम्बे रायोट्स, बॉम्बे के अंदर बहुत सारे मुसलमान जो है इनको इन्होंने जो इंडियन है जो तशद्दुद पसंद है इन्होंने इनको क्या किया, प्रोसिक्यूट किया। 2002 के अंदर हुआ, 2013 के अंदर हुआ, 2020 के अंदर हुआ। तो यहाँ पे देखें जो ISI है, अगर ISI ने इंडिया के अंदर अटैक करवाने होते हैं तो एक बात तो जरा गौर से सोचिए, 1964 की बात है, 1983 की बात है, 1987 की बात है, 1992 की बात है। अब उस वक्त ISI जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बड़ी तगड़ी है, अब उससे भी ज्यादा तगड़ी है, उस वक्त स्ट्रॉन्ग थी। अगर ISI को इंडिया के अंदर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता तो इनका जवाब देना चाहिए था ISI को। ISI इनका लाजमी तौर पर जवाब देते। 1964 में इन्होंने मुसलमानों को मारा, 1965 में ISI जवाब देते, 1970 में दे देती, उसके बाद 83 में हुआ, 1985 में दे देती, 86 में दे देती। लेकिन देखिए 1992 तक इतने इन्होंने अटैक किया, ISI ने कोई भी ऐसा अटैक जो है वो परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि ISI ने किया नहीं, इसके पीछे है नहीं, हम लोग मुस्लिम इसका हिस्सा है ही नहीं, मुस्लिम जो धर्म है ना वो ऐसा है ही नहीं, हमारा बहुत शांति सुकून अमन पसंद धर्म है। अब यहाँ पे देखिए ये जितने भी अटैक हुए इनका जो हकदार है, अगर ये डायरेक्टली तौर पर ISI को ठहराते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कोई 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 ऐसा पर्सन जिसका IQ लेवल जो है वो 80 के करीब भी फॉल करता है वो भी अंडरस्टैंड कर जाएगा यार अगर किसी को गुस्सा आता है तो वो ज्यादा से ज्यादा 10 साल के बाद अटैक करेगा, करेगा जरूर। लेकिन यहाँ पे देखे ना 1992 तक 1964 से ये बात शुरू हो गई, असम के अंदर किया गया, बंगाल के अंदर किया गया, लेकिन वहां पे जो इंडिया की चिकन नेक वाला इलाका है वहां पे मुसलमानों के ऊपर हमले किए गए तो कोई जवाब नहीं है, बिकॉज हमने ये किया ही नहीं, ISI ने ये लगाम नहीं किया। अच्छा उसके बाद दूसरी तौर पे बात कर लेते हैं, 2006 की बात कर लेते हैं। देखिए ये जो चीज आपको नजर आ रही है ना ये इंडिया की तरफ से लगाए गए अल्जामात है, ISI ने कभी भी नहीं कहा ये हमने किया। जो चीज की वो मैं आपको बताऊंगा क्या चीज की गई, उसके बारे में बताएंगे वो क्यों किए गए। 2006 के अंदर मुंबई जो है मुंबई के ऊपर ट्रेन बॉम्बिंग होती है 2006 के अंदर, अब प्रेशर कुकर बॉम्बिंग होती है। 11 मिनट के अंदर मुंबई के अंदर जो 7 अटैक्स हो जाते हैं, मुंबई के अंदर 11 मिनट में 7 अटैक्स हो जाते हैं, या 7 अटैक एक कंट्री के अंदर 11 मिनट के अंदर हो रहे हैं, उसकी उसकी अगर इतनी ही पावरफुल कोई एजेंसी होती रहा वगैरह तो उसको पता होना चाहिए था वहां पे अटैक होने वाला है, उसको कंट्रोल किया जाता है, नो कंट्रोल, कोई कंट्रोल हुआ ही नहीं। इवन के यहाँ पे देखिए 7 अटैक जितने प्लान किए गए थे उतने ही उन्होंने दहशतगर्दों ने किए। यहाँ पर बात किसी की जा रही है, दहशतगर्दों की बात की जा रही है, हम भी दहशतगर्दों के खिलाफ है, आप भी दहशतगर्दों के खिलाफ है, समझ में आई बात। तो ये अटैक नहीं किया ऐसे ना। उसके बाद बात कर लेते हैं वाराणसी बॉम्बिंग। अब ये वाराणसी में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनका लॉर्ड हनुमान है, लॉर्ड हनुमान जो है जो इंडिया के उसका मंदिर कह लीजिए जो भी कह रहे हैं उसको कह लीजिए, वो इस इलाके के अंदर मुझे वहां पर बॉम्बिंग हुई, बहुत सारे हिंदू जो है वो मारे गए। अब देखिए यहाँ पर बॉम्बिंग होती है, हिंदू मार जाते हैं, उसके बाद ये लोग करते हैं, ये इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता, कोई प्रॉब्लम इनको पता नहीं होता कि हमारे ऊपर अटैक किसने किया, कुछ और मिलता नहीं है, जो जितने भी मुस्लिम लोग हैं वहां पर हमारे भाई हैं बहन है उनके ऊपर ये अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से 2008 के अंदर मुंबई अटैक होता है जिसको ये नाम देते हैं 26/11 का नाम देते हैं, ठीक है, उसका भी हकदार जो है ISI को ठहरा दिया जाता है। उसके बाद 2023, अब 2023 के अंदर एक मूवमेंट स्टार्ट हुई है खालिस्तान मूवमेंट। अब खालिस्तान मूवमेंट जो है इसका भी जो इन्होंने ठहराया है वो किसको ठहरा दिया, वो इन्होंने ठहरा दिया जी ये पाकिस्तान की ISI ने किया। देखिए एक बात जरा गौर से सोचिए, देखिए खालिस्तान का जो नाम है ये ISI ने नहीं दिया, ISI से पहले ही खालिस्तान का कॉन्सेप्ट में जो था, जब पाकिस्तान और इंडिया की डिवीजन हो रही थी ना उसी वक्त जो इंडिया का पंजाब वाला इलाका है ये लोग डिमांड कर रहे थे कि हमें खालिस्तान बना के दिया जाए, लेकिन नहीं दिया गया और वही मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गई। तो इसमें ISI ने कहां से खालिस्तान का ये नाम वगैरह दिया या इनके माइंड में बात डाली। अब दूसरी चीज जरा अंडरस्टैंड करिए, दूसरी चीज ये है कि 2020 और 21 में इमरान खान की जब हुकूमत है, इमरान खान सिख कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा काम करते हैं, उनके गुरु नानक साहिब जो है उनकी उनके दर्शन के लिए एक वाघा बॉर्डर जो है वो ओपन कर देते हैं ताकि वो लोग जो है वो यहाँ पे आ सके। अब इसमें क्या गलत किया सिख कम्युनिटी के साथ, हमने तो भाई सबका भला ही किया, हमने सिखों का भला किया, पंजाबियों का भला किया। अब यहाँ पे देखे जो खालिस्तान है, खालिस्तान जो मूवमेंट है ना ये एक बहुत अच्छी मूवमेंट है, देखिए ये एक बहुत अच्छी मूवमेंट है। बेसिकली अगर मैं आपको ये कहूं तो क्या इसके पीछे ISI नहीं है, हाँ इसके पीछे ISI है, क्योंकि ये मूवमेंट एक अच्छी मूवमेंट है, जो सिख लोग हैं, जो पंजाबी लोग हैं, जहां पर उनका हक मिलना चाहिए उनको उनका हक देना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जितने भी सिख लोग यहाँ पर इसको सुन रहे हैं ना एक बार गौर से रखेगा, देखिए ISI का कोई भी जो है एजेंट या कोई भी मेंबर जो है वो डायरेक्टली तौर पर आके कह नहीं सकता भी हम आपको सपोर्ट करें, लेकिन आप लोग अपना जो काम कर रहे हो ना उसको कंटिन्यू करो, क्योंकि देखो इंडिया में पता क्या है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इस वक्त दबाने की कोशिश कर रही है। आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर खबरें देखी होंगी, वीडियोस बहुत सारे जितने भी फेमस यूट्यूबर्स हैं ना वो इसको इस तरह से बना रहे हैं
कि ये खालिस्तान की जो मूवमेंट है ना ये सही नहीं है, ये फ्लाए ये फ्लाए ये फ्लाए, ये एक आप कह रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ बगावत है, ये है वो है, वो इसको खालिस्तान को एक नेगेटिव रोल में दिखा रहे हैं, नेगेटिव रोल के अंदर दिखाया जा रहा है क्योंकि वो इसको छुपाना चाह रहे हैं। लेकिन एक चीज आप याद रखें कि जो जो चीज ठीक है वो बिल्कुल ठीक होती है। तो ये वो तमाम आप कह लीजिए कि जो आईएससी के ऊपर लगाए गए हैं इंडिया की जानिब से, ये उनका आप कह रहे हैं कहा गया कि ये रा जो है रा कहते हैं कि बेसिकली आईएससी नहीं किया, लेकिन आईएससी ने किया ही नहीं है क्योंकि इसका कोई लिंक ही नहीं मिलता। अब देखिए 2020 की बात कर लें, 2020 के अंदर मुसलमान जो है तकरीबन 50 प्लस मुस्लिम जो है वो दादी के अंदर उनको कर दिया गया, उनको कत्ल किया गया, उनको मार दिया गया, 100 से ज्यादा जो है वो डैमेज कर दिए गए। हमने कितने अटैक किए 2020 के बाद, कोई अटैक ही नहीं किया, समझ में आई बात। 2013 2002 गुजरात, तो यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है ये आईएसआई जो है वो रॉ एम आपस में क्रिएट करके बैठा हुआ है, लेकिन असल में आईएसआई ऐसा नहीं है। अच्छा उसके बाद बात करते हैं मेजर ऑपरेशंस के बारे में। देखें आईएसआई ने कौन से मेजर ऑपरेशंस किए, देखिए पहली बात कौन सा मेजर ऑपरेशन किया, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन उन्होंने किया है ऑपरेशन फायर प्ले। ऑपरेशन फायर प्ले, ऑपरेशन फायर प्ले कौन सा, 1980s के अंदर 1977 या फिर 1980s कह लीजिए, जब जुल्फिकार अली भुट्टो की जो गवर्नमेंट है उसको एक तरफ किया गया और उसके बाद जियाउल हक जो है वो मुल्क के आप कह लीजिए कि मुल्क की सत्ता में आ जाते हैं, पावर में आ जाते हैं, तो वो जो जुल्फिकार अली भुट्टो पीपल्स पार्टी को जो हटाने की मूवमेंट है उसको करने के लिए जो ऑपरेशन किया गया उसको नाम देते हैं ऑपरेशन फायर प्ले का नाम देते हैं। उसके बाद अगर बात करें उसके बाद शाहनवाज भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो 1985 के अंदर, 1985 के अंदर शाहनवाज भुट्टो जो कि एक क्या ना कि एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं जियाउल हक के खिलाफ, जियाउल हक के खिलाफ एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। तो उस मूवमेंट देखिए उस मूवमेंट को दबाने के लिए जियाउल हक उस मूवमेंट को दबाने के लिए शाहनवाज भुट्टो जो है कहा जाता है कि उसको जहर दे के बाहर किसी होटल के अंदर, बाहर फॉरेन कंट्री के अंदर होटल के अंदर जहर दे के उसको मरवा दिया जाता है। लेकिन ये एक एग्जीक्यूशन लगवाया जाता है, लेकिन क्या असल में आईएसआई ने किया इसके कोई भी शवाहिद वहां पे नहीं मिलते। उसके बाद बात कर लेते हैं CIA एजेंट्स, 2011 के अंदर, 2011 के अंदर 5 CIA एजेंट्स जो हैं वो आईएसआई जो है वो कैप्चर कर लेती है, और ये वो 5 CIA एजेंट्स होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, जो कि जासूसी कर रहे होते हैं। उसामा बिन लादेन जो है उसका जब अटैक होता है उसको किल कर दिया जाता है, तो उसके अंदर वो कौन से जासूस होते हैं जो इसके पीछे मुलविस होते हैं, वो यही होते हैं। अब यहाँ पे जरा अफगानी लोग जरा गौर से सुने, देखे पाकिस्तान ने पहले सपोर्ट किया अफगानिस्तान को रशिया से बचाया, ठीक है, मुजाहिदीन किसने बनाए, मुजाहिदीन बनाए पाकिस्तान ने, किसके लिए, अफगानिस्तान की हेल्प के लिए, मदद की आप लोगों की मुजाहिदीन देके जिन्होंने आपको आज रशिया की रशिया से आजादी दिलवाई। उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर ये लोग जो हमसे नाराज है मुजाहिदीन लोग, ये कहते हैं कि जो अफगानिस्तान वाली साइड है या पाकिस्तान वाली साइड है वहां पर जितने भी मुजाहिदीन है उनको मारने में रोल किसका रहा, पाकिस्तान का रहा। देखिए पाकिस्तान का रोल जो है वो तभी आएगा जब जब आप लोग पाकिस्तान के खिलाफ बगावत करेंगे। देखें अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ बगावत नहीं करते, आप रा के हत्या चढ़ के बगावत ना करें तो कुछ भी नहीं ऐसा होने वाला, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने रा ने बड़ी चराकी के साथ ये सारा कारनामा परफॉर्म किया और उसके बाद सारा मलबा जो है वो अफगानियों को जेल तक आज तक यही बात चल रही है कि ये सारा आईएसआई ने किया। देखें आईएसआई ने हेल्प की अफगानिस्तान की, उधर से इंडिया जो है उसके एजेंट्स ने क्या किया, उसामा बिन लादेन को मारने में हेल्प की, नो डाउट। उसके अंदर पाकिस्तान के कुछ लोग भी मुलव्वस थे, उनको भी पकड़ लिया गया। अब पाकिस्तान के लोग मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो दिखने में पाकिस्तानी थे लेकिन बेसिकली अगर देखें तो वो क्या थे, वो CIA एजेंट से, वो कुछ CIA एजेंट से 5 राख एजेंट भी पकड़े गए थे 2011 के अंदर। तो ये CIA एजेंट्स जो कि बेसिकली पाकिस्तान के अंदर थे इनको पकड़ लिया गया, और राख एजेंट्स जो पाकिस्तान के अंदर थे जिन्होंने उसामा बिन लादेन को मारने में हेल्प की जिसकी वजह से अफगानिस्तान हमारे खिलाफ हो गया, इन सबके अंदर किसका रोल रहा, अमेरिका का रोल रहा, इन सबके अंदर इंडिया का रोल रहा। तो बेसिकली हमारे जो हाथ है वो तमाम चीजों से साफ है। उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन साइक्लोन, जिसके बाद अफगानिस्तान को हेल्प करनी चाहिए पाकिस्तान की, और उनको शुक्रगुजार होना चाहिए ऑपरेशन साइक्लोन की वजह से आज जो है वो अफगानिस्तान जो है वो बहुत बुरे हालातों में से अच्छे हालात में है। आगे देखिए बॉस्निया, बॉस्निया की बात करते हैं तो बॉस्निया जो है बॉस्निया के अंदर जो मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम लोगों को कौन मारे थे, सर्बियन लोग जो थे वो बॉस्निया में मुस्लिम लोगों को मारे थे। तो मुस्लिम लोगों को जीनोसाइड से बचाने के लिए पाकिस्तान की जो आईएसआई है इन्होंने बॉस्निया के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म किया और एड जो है वो मुजाहिदीन को दी ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके इनके खिलाफ। उसके बाद इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के खिलाफ कौन कौन से ऑपरेशन हुए, लामदीन एंड लामो ये आप कह लीजिए कि ये जासूस थे, रा के एजेंट्स थे, दो एजेंट्स थे जो कि पाकिस्तान के अंदर क्या कर लिए गए, कैप्चर कर लिए गए। और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जब कैप्चर कर लिया गया इनका मेन काम क्या था, इनका मेन काम ये था कि 1980s के अंदर जब पाकिस्तान का ट्रेड डे चल रहा था उस वक्त पाकिस्तान ने कितने मिसाइल्स ले लिए हैं, पाकिस्तान के कौन कौन से सिक्योरिटी वेपन्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं,
उन तमाम की जो जानकारी थी ना वो इनका काम था, ये इंडियंस पे थे, राकेश पे थे, इन्होंने एडमिट भी किया, जैसे कुलभूषण यादव ने एडमिट किया, ठीक है। तो ये जो राज इन्होंने किया, इनका ये काम, इन्होंने ये काम करना था, इनको ये काम सौंपा गया था। अब आईएसए ने क्या किया, आईएसए ने इन रा के एजेंट्स को कैप्चर किया, रा के एजेंट्स को कैप्चर करने के बाद इनको वो इन्फॉर्मेशन दी जो आईएसए चाहती थी कि वो इन्फॉर्मेशन इंडिया तक पहुंचे, तो इनको वही इन्फॉर्मेशन पहुंचाई गई, यानी कि बेसिकली एक तीर से दो शिकार, एक तो हमने जसूस भी पकड़ लिया, दूसरी उनको वही इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जो हम लोग चाहते थे वो लोग पहुंचाए, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन तो पैक किया गया। ऑपरेशन तो पैक जो था इसमें किया गया कश्मीर जो है, कश्मीर के जो मुस्लिम्स हैं उनको, मुस्लिम्स को सपोर्ट किया आईएसआई ने कश्मीर के मुस्लिम्स को सपोर्ट किया ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके, इंडिया की बर्बरियत के खिलाफ खुद को बचा सके। तो ये ऑपरेशन तो पैक जो है ये एक सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा आईएसआई का। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद कहोता रिसर्च लेबोरेटरी। कहोता रिसर्च लेबोरेटरी में जब न्यूक्लियर, आप कह रहे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा था, तो फ्रांस जो है, फ्रांस के जो जासूस थे वो पाकिस्तान के अंदर घूम रहे थे। और यार देखो, फ्रांस के जासूसों को पकड़ लिया, अमेरिका के जासूसों को पकड़ लिया, इंडिया के जासूसों को पकड़ लिया, तो देखे कितनी खतरनाक है हमारी आईएसआई, ठीक है। तो उस वक्त फ्रांस के जो दो जासूस थे ना, वो इस लैब के अंदर घुसे हुए थे और वो क्या कर रहे थे, वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, वीडियो कैमराज वगैरह जो थे उनके पास थे, और आईएसआई जो है उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई अपने कैट ग्रुप से, कैट वाली साइड से, और उन्होंने इनको क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। और उसके बाद आज उस दिन के बाद फ्रांस का कोई भी बशिंदा जो है या फ्रांस का कोई भी जो एजेंट है वो पाकिस्तान की तरफ नहीं आ सका, और ना ही इंडिया के एजेंट ने फाइनली तौर पर 2020 के अंदर कोशिश की थी कुलभूषण यादव साहब ने, ठीक है, और बलोचिस्तान के अंदर उनको भी पकड़ लिया गया, और खैर उनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया गया, टी वाज द ऑसम, एक बड़ा फेमस उनका डायलॉग भी रहा, और उसके बाद जो है वो सारी चीजें जो है वो इनक्लोज कर दी गई और उनको बहुत सेफली उनको इंडिया में वापस भेज दिया गया। अब ये तमाम चीजें जो है ये इस बात का सबूत है कि आईएसआई जो है वो बिल्कुल पुरअमन पीस चाहती है, शांति चाहती है। जितने भी काम लगाए गए हैं, जितने भी अल्जाम आईएसआई के ऊपर लगाए गए हैं, देखिए ये आपकी अपनी फेलियर है। जब आप अपनी फेलियर्स नहीं ढूंढ पाते, आप दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी फेलियर्स हुए हैं आज तक, पाकिस्तान ने किसी के ऊपर इल्जाम लगाया, हाँ यार ये इंडिया ने किया, ये उसने किया, ये इसने किया, नहीं, कभी नहीं किया, क्योंकि हमें पता है कि हमें खुद के ऊपर ओवरकम करना है, खुद को कंट्रोल करना है। तो इसलिए ये देखें, यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स के अंदर आईएसआई जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि पाकिस्तान के इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा, आप कह लीजिए 1980s और 1990s के दौरान जो है वो बहुत वर्ल्ड लेवल के ऊपर एक्सेप्टेबल है। देखें पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो जितनी मर्जी खराब हो, लेकिन एक चीज है जो जिससे हर कोई डरता है, और वो ये है हमारी आईएसआई, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी मिलिट्री पावर, हमारी मिलिट्री पावर। तो अमेरिका से एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया अमेरिकन एजेंट से कि आपको ज्यादा खतरा जो है वो किससे है, आपको मोसाड से है, आपको ज्यादा खतरा जो है खतरनाक जो एजेंसी लगती है वो कौन सी लगती है, मोसाड लगती है, आपको रॉ लगती है, या आपको अफगानिस्तान लगता है, या फिर आपको रशिया लगता है, या फिर आपको पाकिस्तान लगता है। तो उन्होंने भी इस चीज को एडमिट किया था कि हमें पाकिस्तान से ज्यादा खतरा लगता है एज कम्पेयर टू अदर ग्लोबल एजेंसी।